अनुज जी, यही से बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में आपने जीरे का टारगेट दिया था 19,000 का, कि आने वाले समय में जीरे में 19,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अब आपका वो स्तर, आपका जो लेवल था, वो जो टारगेट दिया था आपने 19,000 का, वो अचीव होता नजर आ चुका है। इनफैक्ट हमने कल के कारोबारी सत्र में जीरे को 19,950 पर भी ट्रेड होते हुए देखा। आपको क्या लग रहा है, जो जीरा अभी भी 19,000 के ऊपर सस्टेन है, तो क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में जीरा 20,000 के भी स्तर दिखा सकता है? देखिए, जो हमने टारगेट दिया था 30,000 का, वो ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि मसालों में आगे भी तेजी रहेगी, मगर इन स्तरों पर जो डिमांड है वो थोड़ी हम कम देखेंगे, क्योंकि डोमेस्टिकली अगर देखें तो हायर लेवल पर डिमांड कुछ कम होती हुई दिखती है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा यहाँ गिरावट देखने को मिलेगी। अगर 400 से 500 रुपए की गिरावट, करीबन 19,000 तक के लेवल अगर मिलते हैं, 18,800-19,000 के आसपास तक, तो दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि दोबारा से जो हम टारगेट रिवाइज करेंगे तो 20,500 से लेकर 21,000 तक के टारगेट को हम रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने खरीदारी करी है हमारी रिकमेंडेशन पे, वो प्रॉफिट बुक करें। भाव अगर नीचे आए 18,500-19,000 तक, तो वहां पर दोबारा खरीदारी कर सकते हैं जी। इसी के साथ अनुज जी, देख रहे हैं कि धनिया और हल्दी, इनमें हल्की नरमी आते हुए देखने को मिली है, हालांकि सपोर्ट लेवल्स पर ही हैं अपने। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में हल्दी और धनिया में तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, मसाले हमारी 2022 की टॉपिक रहे हैं, और हमने ऐसी कोई टॉपिक से चुना था हमें, और जो हमारा टारगेट था 11,000 के आसपास का, वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी हल्दी में और तेजी का रुख रहेगा। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले सत्रों में आपको 12,000 के ऊपर के भी लेवल देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर भी हम हायर लेवल पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, क्योंकि डिमांड जो है वो कम होती हुई दिखती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा वेट एंड वॉच करें, लोअर लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें, 10,800-10,500 तक के लेवल मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए जी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।